जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रहे विवाद को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने हाईकोर्ट के एक पूर्व जज के बयान का समर्थन किया। हाईकोर्ट जज ने टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जज की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम तैयार करके संविधान को हाईजैक कर लिया है। हाल ही में रिजिजू ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज आरएस सोडी के इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप शेयर किया था। इसमें जज ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर संविधान को हाईजैक कर लिया कि उसके पास जजों की नियुक्ति करने की शक्ति है। दरअसल अब कोलेजियम सिस्टम पर एक बार फिर खासी चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति कैसे हो, इसको लेकर सालों से देश में डिबेट चलता रहा है। 90 के दशक में कोलेजियम सिस्टम आया और उसकी सिफारिश पर सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति करती रही है। लेकिन कोलेजियम सिस्टम पर सरकार और जुडिशरी के बीच लगातार तल्खी चल रही है। हाल ही में केंद्र कानून मंत्री ने कोलेजियम सिस्टम पर कई बार सवाल उठाए हैं। वहीं कानूनविद और सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जस्टिस ने कोलेजियम सिस्टम को सही ठहराया है और कहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी है। कोलेजियम को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे विवाद का आखिर हल क्या है, क्या इस विवाद का कोई अंत नजर आ रहा है, ये सवाल के जवाब आखिर कब तक मिलेंगे।